आर्ष परंपरा मूल कुंदकुंद भगवान से चली। कुंदकुंद भगवान के पहले भद्रबाहु स्वामी, भद्रबाहु स्वामी से पहले गणधर, गणधर से महावीर स्वामी। यानी आर्ष परंपरा, मैंने कहा था ना एक दिन, ये जनता को गुमराह किया जा रहा है कि आर्ष परंपरा का अर्थ होता है पंथवाद। जो 20 पंथी है वो आर्ष परंपरा का और 13 पंथी अनार्ष परंपरा का, ऐसा जो कथन किया जा रहा है ये सब मूर्खों को मूर्ख बनाया जा रहा है। किसी भी आगम में हमने आज तक ये परंपरा नहीं देखी और ना कहीं ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आर्ष परंपरा का अर्थ इतना ही है जो सच्चे रूप से 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, और जो ऐसे 28 मूल गुणों का पालन करने वाले मुनियों को ही सच्चा मुनि मानते हैं, ऋषियों को, वे श्रावक आर्ष परंपरा के कहलाते हैं। 13 पंथ और 20 पंथ से आर्ष परंपरा का कोई लेना देना नहीं। 13 पंथ और 20 पंथ एक श्रावकों की पूजन पद्धतियां हैं, द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार। अनादि अनंत कालीन जो आर्ष परंपरा है वह है 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करना। इसलिए सारे भारत को मैंने एक दिन संदेश दिया था, जो साधु 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन कर रहे हो उन्हें आर्ष परंपरा के साधु मानना, और जिनके साधुओं के शीतलाचार, भ्रष्टाचार, अय्यासी, ऐसो आराम स्पष्ट रूप से उजागर हैं वे अनार्ष परंपरा मानना चाहिए। अभी बताते, एक साधु को आसाम से भगाया गया, कपड़े पहनाकर भगाया गया, आर्ष परंपरा के नाम पर प्रवेश किया, लेकिन मूल गुण कुछ भी नहीं थे, कपड़े पहन के बना गया। बाद में जाकर वो कपड़े उतार के अब बताते राजस्थान में आ गया है। तो हमारा देश बड़ा विचित्र है, एक प्रांत जाकर के मुनि को उसको मुनि नहीं मानता, कपड़े पहना देता है, और दूसरा प्रांत उसे अपना ले जाकर, क्योंकि उसे अंगाड़ी पिछाड़ी मालूम नहीं है। अभी मुझे पता चला कुछ आसाम के लोग आने वाले हैं यहाँ पर, और वो यहाँ बताने वाले हैं कि राजस्थान में एक ऐसा अनारसी, ऐसा भ्रष्ट साधु प्रवेश कर रहा है और अपने आप को बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े अपने आगम की बातें करता है। ये कहता है कि जो एसी में साधु नहीं खा, जो साधु एसी नहीं लगाते हैं वे मल भक्षण करते हैं, और सच्चा साधु वो है जो एसी में भोजन करता है, एसी लगाता है। तो आसाम के लोग आ रहे हैं मेरे पास, कल परसों किसी ने समाचार दिया कि वे लोग आकर के बताएंगे कि इसने आसाम में क्या क्या काले कारनामे किए और किस किस प्रकार का अनर्थ किया, हम लोगों ने इसे कपड़े पहन करके पहना करके भगाया है और राजस्थान वाले उसको अपना रहे हैं। तो आपको सबको पता चल जाएगा। तो ये कहलाती है अनार्ष परंपरा, और आर्ष परंपरा सारे भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, आसाम, सब लोगों को मैंने कह रहा है कि मां साधु की चर्या देखो, साधु का आचरण देखो, साधु के मूल गुण देखो, और ये साधु चर्या देख करके ही समझो ये साधु आर्ष परंपरा का है। 13 पंथ और 20 पंथ का तो साधु से कोई लेना देना ही नहीं है। मूलाचार में कहीं भी 13 पंथ 20 पंथ की कोई चर्चा नहीं। ये तो श्रावकों की पद्धतियां हैं पूजन की। मेंढक मुंह में पाखड़ी दबा के चला गया झूठे मुंह के, अब एक परंपरा चला दो मुंह में अर्घ भर करके भगवान को चढ़ाना है। पहले मुंह को मुंह भर लो और फू कर दो भगवान के सामने। बोले कैसे? समंत भद्र महाराज ने, मेंढक ने मुंह में पाखड़ी दबा के ले गया, उसकी प्रशंसा की। तो भेका प्रमोद मत्ता, भेका प्रमोद मत्ता कुसमो नहीं कहन राजगृह, पाखड़ी को ले जा रहा था और अशुद्ध तो हो ही गई होगी, या तो पैरों से दबाया होगा, पैरों से पकड़ी होगी, क्योंकि मेंढक के तो दो ही पैरों, तो ही चार तो वो तो जमीन में ही चलता है ना चारों पैरों से, तो पैर से पकड़ेगा तो भी अशुद्ध हो गया, ले गया वो। तो ये पूजन पद्धतियां हैं। भक्त किस ढंग से भगवान के सामने अपनी सामर्थ्य शक्ति प्रकट करता है। मुनियों के ये भेद कभी मत मानना महानुभाव।
अन्यथा आप लोगों का मिथ्यात बहुत बढ़ जाएगा, आप दुर्गतियों में पड़ जाएंगे। मुनियों की आर्ष परंपरा को कभी पंथवाद से नहीं तोड़ना, कभी तेरापन बीसपन से नहीं तोड़ना, आर्ष परंपरा को सही मानना है। मैं निश्चल भाव से कह रहा हूं, आप लोगों के हित में कह रहा हूं, कल्याण के लिए कह रहा हूं, जो निर्दोष 28 मूल गुणों की चर्या पालन करें वही आर्ष परंपरा का मुनि है। और जो श्रावक ऐसे मुनियों को मानते हैं वे श्रावक भी आर्ष परंपरा वाले हैं। और जो मुनि सतलाचारी हैं, अय्याशी हैं, कई समाज उन्हें कई बार कपड़े पहना चुकी, भगा चुकी, ऐसे साधु अनार्ष परंपरा वाले कहलाते। और ऐसे शिथिलाचारी साधुओं को जो मानता है, छत्रमास आदि कराता है, आहार आदि देता है, जान करके भी कि ये एसी कूलर पंखे आदि का प्रयोग कर रहे हैं, फिर भी जाकर के और मालूम है कि ये भ्रष्ट हो चुके हैं, मालूम है कि इनके दुराचार सारे जगत में हैं, मालूम है कि मौका पड़ने पर गाड़ियों में भी बैठ जाते हैं, ऐसे साधुओं के साथ जो समाचार करता है वो श्रावक भी अनार्ष परंपरा वाला है। सारे भारत के लिए मेरा संदेश है, आर्ष परंपरा की रक्षा करो। आर्ष परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा है, श्रमण संस्कृति का नाम आर्ष परंपरा।